सो हे व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो। एंड भाई साहब, तुम्हारी बहुत ज्यादा डिमांड के बाद मैं यहाँ पे वापस लेके आ चुका हूँ रैंच सिमुलेटर की एक और नई गेम प्ले वीडियो। एंड भाई एक सेकंड, यार कार को क्या हो रहा है? ठीक है, बट यार अभी मैंने ना यार बहुत ज्यादा तगड़ी चीज सोची है भाई। ये जो तुमने देखा ना, हमने बिल्ड बनाया था बहुत पहले, इस बिल्ड के अंदर मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा ही बदलाव करने वाला है, चेंजेस करने वाला हूँ, जिसके बाद भाई हमारे पास पैसा ही पैसा होने वाला है। एंड भाई लिटरली बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा, तुम लोग देखते रहना। बट उससे पहले देखो, यहाँ पे रात होने वाली है, रात हो उससे पहले मैं फटाफट से छोटा मोटा काम कर लेता हूँ। इससे पहले भाई हम लोग इसको डिमोलिश कर लेते हैं यहाँ पे। एंड भाई तुम लोग इसके एनिमेशन देखो, मतलब यार इस चीज के एनिमेशन जो है ना बहुत ज्यादा अच्छी करती है नव। एंड भाई बहुत बढ़िया लगता है, मतलब रियलिस्टिक लगता है टूटते टाइम, तुम लोग देख रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है भाई ये एक्चुअल में टूट रहा है। एंड भाई बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है ये चीज देखने में। एंड फिलहाल यार बहुत तगड़े तगड़ी चीजें मैंने यहाँ पे सोच रखी है, सारी चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। बट फिलहाल अब तुम्हें ये देखना भाई साहब, पूरा पूरा ऐसा लग रहा है यार एक्चुअल में जैसे रियल लाइफ में हम लोग तोड़ते हैं भाई, वैसे पूरी लकड़ियां फट गई है बीच में से, मतलब बहुत सही लग रही थी देखने में चीज। एंड बाकी फिलहाल भाई जल्दी से नीचे वाला जितना बच रखा है हम लोग इसको भी रिमूव कर देते हैं। इसके बाद जा करके एक बार जल्दी से पहले मैं रिमूव करता हूँ, मैं तुमको भाई बहुत सारी चीज समझानी है यार, मेरे यहाँ बहुत ज्यादा तगड़े तगड़े प्लान्स है, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें भी हमें अभी फ्यूचर में करनी है, तो सारी चीजें तुम लोगों को भी बताऊंगा। बट उससे पहले एक सेकंड, बस ये जस्ट रिमूव हो चुका है, ये भी गया एंड भाई पूरा गया। ठीक है चलो, अब मैं तुमसे बात करता हूँ। बाकी क्या, एक सेकंड भाई, एक पीस इतना दूर आके गिरा था इसका, चलो कोई नहीं। हाँ तो मैं तुम्हें क्या बता रहा था यार, जो हमारा बिल्ड है ना, इस बिल्ड के अंदर भाई बहुत सारी कमी है। जो ऊपर वाला पार्ट जो है ना, ये पूरा का पूरा ऊपर वाला पार्ट मैं कंप्लीटली यहाँ पे हटाने वाला हूँ, क्योंकि भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। एंड भाई ये बेफालतू मैंने यहाँ बनाया था। एंड इसके अंदर भाई मेरे को पता नहीं कितनी पिक्स को होल्ड करने की कैपेसिटी है, कितने एनिमल्स को होल्ड करने की कैपेसिटी है। बट यार एक सेकंड, ये मैंने बनाया था ऊपर चढ़ने का, ये हट कैसे गया भाई? पता नहीं यार, मैं ऊपर जाता तो था पहले भी, बट एक सेकंड रुको, मैं फटाफट से यहाँ पे ना एक प्लैंक उठा लेता हूँ। एंड भाई प्लैंक्स भी मैंने सारे उठा करके भाई इसके अंदर रख दिए थे। चलो कोई नहीं, फटाफट से एक प्लैंक का पीस हम लोग ले आते हैं यहाँ से। एंड मैं इसको ला करके फटाफट से एक बार सीढ़ी वाली जगह पर लगाया था, उसके बाद हम लोग चलते हैं ऊपर की साइड पे। एंड वहां चल करके काफी सारी चीजें देखनी हमें। एंड लेट्स गो। ठीक है, अब भाई ये जो ये चीज मैंने बनाई थी ना भाई, इसका हमें यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है भाई, बेफालतू मैंने इसको यहाँ बनाया था एंड इसका कुछ काम नहीं, तो इसको फटाफट से फिलहाल मैं यहाँ पे हटाता हूँ। इसका देखो हम लोग इन फ्यूचर में, मैं पता क्या सोच रहा हूँ मैंने यहाँ पे, ओ भाई 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 पूरे गिर गया। ठीक है, अभी यार मेरे पता बहुत तगड़े तगड़े प्लान है। अभी फिलहाल देखो, अभी मैं यहाँ पे पिक्स वगैरह लेकर के आऊंगा, मतलब हमारा यहाँ पे पैसे बनाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद इन फ्यूचर जब ये पिक्स वगैरह बड़े हो जाएंगे ना, तब हम लोग बनाएंगे भाई इसके ऊपर मेगा फैक्ट्री, मतलब यार वहाँ पे प्रोसेसिंग फैक्ट्री बनाएंगे इसके ऊपर ही, जहाँ पे ये चीज़ है ना इसके ऊपर ही हम लोग बना देंगे प्रोसेसिंग फैक्ट्री, जो कि भाई बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। एंड भाई बहुत ज़्यादा हद तक वो ना यहाँ पे बहुत तगड़ा काम करेगी। उसके अंदर हम लोग सारी मशीन्स लगाएंगे, सारे कबर्ड्स लगाएंगे एंड हर तरह के हम लोग इसके अंदर सॉसेजेस बनाएंगे सारे, हम लोग यहाँ पे सलामी सॉसेज एंड जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास गेम के अंदर ऑप्शन, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। बट फिलहाल के लिए भाई मैंने इसको एकदम नॉर्मल रख दिया यहाँ पे। ठीक है, मतलब बहुत सही हो चुका है ये। एंड अब भाई यहाँ पे बस जो देरी है वो है यहाँ पे हमारे एनिमल्स को लेकर आने की, यानी कि पिग्स वगैरह को लेकर आने की। एंड इसके अंदर भाई फ्यूचर में मैं एक चीज़ कर दूंगा, जो तुम लोग ये लाइन देख रहे हो, इस लाइन में मैं पार्टीशन कर दूंगा, जिसके अंदर भाई इस साइड हम लोग हम पिग्स वगैरह रख लेंगे। एंड इस साइड पे भाई हम लोग हमारी जो गोट का फीचर भी आया है, इसके अंदर भाई नई गोट्स भी ऐड हुई थी, वो मैंने फिलहाल अभी तक नहीं लाया, मतलब एक बार लाया था बट वो बहुत कम थी, तो गोट्स वाला भी हम लोग भाई यहाँ पे काफ़ी सारी गोट वगैरह ला करके एक साइड पर रख देंगे। एंड एक साइड पर हमारे पिग्स वगैरह हो जाएंगे, मतलब यार बहुत ज़्यादा हमारा यहाँ पे ना बिजनेस एक्सपेंड हो जाएगा। एंड भाई फिर तुम लोग पैसे, मतलब पैसे की तो भाई मेरे को बहुत तगड़ी चीज़ मिल चुकी है, हम लोग इतना पैसा कर देंगे भाई, इतना पैसा कर देंगे, मतलब मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। बट उससे पहले फटाफट से भाई यहाँ पे रात होने वाली, मैं सोच रहा हूँ रात जैसे हुए उससे पहले मैं जल्दी से थोड़ा बहुत जो काम है हमारा वो निपटा लेता हूँ मैं। एंड उसके बाद सुबह उठ करके भाई हम यहाँ पे एनिमल्स वगैरह भी लेकर के आने हैं। उससे पहले भाई मेरे को यहाँ पे एक एनिमल ट्रेलर भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने एनिमल ट्रेलर खरीदा था वो भाई मैंने शायद से सेल कर दिया था वापस, या फिर पता नहीं वो होगा भी तो कहीं पड़ा रहेगा इधर उधर मैप के कोने में, तो उस चीज़ का मेरे को आइडिया नहीं है वो कहाँ पे है। तो हम लोग एक नया ट्रेलर परचेज करके ले आएंगे एंड उसको हम लोग फिलहाल यूज़ कर लेंगे। बट उससे पहले मेरे को यहाँ पे ना एक गेट भी बनाना पड़ेगा, वरना भाई दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे अगर गेट नहीं बनाया तो। सो यहाँ पे गेट बनाते हैं, वरना भाई हमारे पिग्स वगैरह जो है ना कुछ टाइम बाद ऊपर चढ़ने पहुँच जाएंगे एंड वहाँ से बाहर निकलने लग जाएंगे, तो यार वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। एंड भाई गेट ही नहीं बन रहा, तो एक काम करते हैं हम लोग भाई स्टेयर को भी हटा ही देते हैं यहाँ से, भाई गेट नहीं बन रहा था, स्टेयर को भी हम लोग यहाँ पे हटाए थे। एंड यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए लगा देता हूँ हमारा फ्लोर। ठीक है, ये चीज़ नॉर्मल हो जाएगी अब यहाँ। अरे अरे भाई, मेरे को यहाँ पे प्रेस करना था ई एंड यहाँ पे लग चुका है। एंड अभी फिलहाल एक सेकंड के लिए मैं यहाँ पे लाइट को ऑन कर लेता हूँ। एंड अभी भाई बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, देखो बारिश से हमारे यार पिक्स वगैरह कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो यार इस वजह से मैंने नहीं, देखो अगर यहाँ पे इनको दिक्कत भी हुई, अगर इनको यार थोड़ा बहुत यहाँ पे बारिश वारिश में गीले होने का डर हुआ, तो यार काफ़ी ज़्यादा स्पेसिंग मैंने यहाँ पे छोड़ रखी है, तुम लोग देख रहे हो इस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है।
एंड इधर भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, मतलब दोनों साइड में सेम स्पेसिंग है ऐसी। अगर उनको ज़्यादा दिक्कत लगेगी तो भाई वो यहाँ पे आके आराम से खड़े हो सकते हैं, सो सकते हैं, जो भी मर्जी उनकी मन करेगा, तो वो चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी छोड़ रखा है। एंड फटाफट से अभी फिलहाल चलते हैं भाई हम लोग सोने के लिए, सुबह उठ के भाई बहुत ज़्यादा काम करना है। ऑलराइट, तो भाई सब सुबह हो चुकी है एंड भाई बारिश यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रही, भाई पता नहीं अभी बारिश कब तक आएगी। तो यार बारिश को यहाँ पे हम लोग फिलहाल के लिए इग्नोर मारते हैं एंड अब हम लोग चलते हैं फटाफट से यहाँ पर। कहाँ जाएंगे भाई हम लोग? जाएंगे सीधा, सबसे पहले हम जाएंगे हार्डवेयर स्टोर पर। हाँ एक सेकेंड, हार्डवेयर स्टोर पर जाना पड़ेगा हमें पहले। वहाँ से हम परचेज़ करेंगे एक एनिमल ट्रेलर एंड देन फिर भाई हम लोग वहाँ से चलेंगे एनिमल लेने सीधा हमारा कौन से जनरल स्टोर पर। ठीक है भाई, सारी चीज़ भाई काफ़ी टाइम बाद खेल रहा हूँ ना तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, बट चलो कोई नहीं, सारी चीज़ सॉर्ट हो जाएंगी। एंड मेरे को इन सब चीज़ों को सेल भी करना है, तो एक काम करते हैं भाई, जितनी भी सेल करने वाली चीज़ें हैं उसको मैं फिलहाल भर लेता हूँ ट्रेलर के अंदर। तो भाई जल्दी से यहाँ पे उतरते हैं एंड ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब का भाई फिलहाल तो कुछ काम है नहीं, सो इनको भाई सेल कर जाते हैं। तो अगर तुम लोग सोच रहे हो भाई अभी हमारा यहाँ पे काम स्टार्ट होने वाला है, बिजनेस स्टार्ट होने वाला है एंड भाई हमें कूलर की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं इन कूलर्स को क्यों सेल कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें तुम लोगों को भी दिखाऊंगा। भाई मेरे पास कूलर्स की कमी बिल्कुल भी नहीं है, तुम लोग अभी देखोगे ना कूलर में पर भाई तुम भी कहोगे यार इतने सारे कूलर्स का क्या करता है, इतने सारे कूलर इकट्ठे कर रखे मैंने यहाँ पे, तो वो चीज़ मैं तुम लोगों को भी दिखा दूंगा। बट उससे पहले भाई इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर। एंड भाई ये तीन तीन भाई बहुत टाइम पहले के मैंने ला के रख रखे हैं बट आज तक इनको मैंने यूज़ नहीं करा, तो भाई इनको भी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं फिलहाल के लिए। यूज़ इन द सेंस मतलब जितने टाइम से मैं लेकर के आ रखा हूँ मैंने इनको यूज़ करके खाली कर रखा है, बट इनको अभी तक मैं सेल नहीं करके आया भाई, मेरा इतना भी टाइम नहीं लगा कि मैं इनको सेल करके आ जाऊँ। तो फिलहाल मैंने इनको यहाँ पे पिक कर लिया है, सबको उठा के रख लिया अपने ट्रेलर के अंदर एंड अब लेके चलते हैं भाई इनको सेल करने के लिए। एंड भाई इन बाल्टियों की भी ज़रूरत नहीं है, सो इन बाल्टियों को भी उठा कर रख लेता हूँ भाई, इनको भी हम लोग निकाल देंगे क्योंकि भाई ये बेफालतू में यहाँ पे पड़ी पड़ी भाई हमारा जगह घेर रही है बहुत ज़्यादा एंड मतलब अच्छी भी नहीं लगती यार ये जगह जगह फैली हुई है काफ़ी ज़्यादा हद तक। सो इनको मैंने सबको यहाँ पे पैक कर लिया है एंड सबको मैंने रख लिया है अपने ट्रेलर के अंदर एंड भाई अब हम लोग इसको लेके चलते हैं। एंड अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ भाई हमारा कूलर वाला सिस्टम। तो भाई यहाँ पे कूलर तुम लोग देख रहे हो पीछे की साइड में, भाई इतने सारे कूलर्स पड़े हैं वहाँ पे जो कि फिलहाल काम के नहीं है, तो उन सबको भाई मैं यहाँ पे थोड़ा ना ढंग की जगह बना करके आराम से रख दूंगा। एंड अरे 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 भाई मेरे को कार को बहुत आराम से लेना पड़ेगा। कुछ कुछ जो ग्लासेस हैं यहाँ पे वो भाई मैंने यहाँ पे प्लेस नहीं कर रखे, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही रख रखे हैं इनके ऊपर, तो वो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर मैं ज़्यादा स्पीड करी तो यहाँ पे। तो इनको मैं थोड़ा सा आराम से ले करके चलता हूँ। ठीक है मेरे को लग रहा है एक ना एक तो गिरेगा यहाँ पे, बट चलो कोई नहीं, वो संभाल लूँगा मैं। यहाँ से हम लोग भाई बिल्कुल प्यार से लेके चलेंगे ना हार्डवेयर स्टोर पे, इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा ताकि भाई थोड़ा सा हमारा गेम भी हल्का हो जाएगा एंड उसके बाद हमारी जो जितनी भी चीज़ें हैं भाई देखो यार अगर ये यूज़ की होती ना देन भी मैं इनको रख लेता, बट यार बिल्कुल यूज़लेस है, इनका कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा इतने टाइम से एंड भाई बस यूँ ही पड़ी है ये, इस वजह से मैंने सोच लिया भाई इनको सेल तो करना ही पड़ेगा। सो फटाफट से मैं इनको यहाँ पर लेकर के आ चुका हूँ बड़े प्यार से एंड भाई अब हम लोग यहाँ पर इसको लेकर चलते हैं अंदर। भाई ओके थोड़ा सा दिक्कत हो गई, थोड़ी सी दिक्कत हुई है बट कोई नहीं, मैं यहाँ से निकाल लूँगा बड़े प्यार से। ठीक है मैंने यहाँ से आराम से निकाल दिया है एंड अब मैं इसको ले जाकर के यहाँ पे कर देता हूँ फटाफट से पार्क। सो लेट्स गो। ठीक है बस बहुत इतना एंड अब इसको कर देते हैं भाई जल्दी से हम लोग यहाँ पे सेल। एंड भाई हार्डवेयर स्टोर के अंदर कुछ नई चीज़ें नहीं आई, तो मेरे को यार थोड़े बहुत कलर्स वगैरह भी बाय करने हैं यहाँ पे, उनको मैं बाय कर लूँगा। सो वाटर टैंक सेल करते हैं, ग्लासेस को हम लोग यहाँ पे सेल कर देते हैं, काफ़ी सारे ग्लासेस हमारे पास भाई $1500 का हमारा यहाँ पे हम लोग सेल कर सकते हैं। वुड प्लैंक्स को भी हम लोग यहाँ पे सेल कर देते हैं सबको जल्दी से फटाफट से। तो यार हमारे यहाँ पे $500 का जो है प्रॉफिट हो चुका है एंड अभी हमें भाई यहाँ पे ये वाला एनिमल ट्रेलर परचेज करना है। सो इस चीज़ को मैं परचेज कर लूँगा, बाकी एक बार चेकआउट करते हैं भाई कुछ नई चीज़ आई है क्या हमारे पास यहाँ पे। सो फिलहाल के लिए कोई नई चीज़ तो नहीं आई है, सारी सारी पुरानी है, क्रिसमस वगैरह का भी भाई बहुत टाइम है तो अभी तो फिलहाल नहीं आएगा ये। एंड अब मेरे को एक काम करना है फटाफट से ना, मैं एक बार इसको थोड़ा सा, अरे यार ये चीज़ सेल नहीं हुई क्या, तो इसको फिलहाल मैं यहीं पे रख देता हूँ साइड में। एंड अब एक काम करते हैं फटाफट से भाई, पहले अपना जो ट्रेलर है ना इस ट्रेलर को मैं थोड़ी देर के लिए, भाई धूप निकल चुकी है हमारी, बारिश फिलहाल फाइनली जो है वो बंद हो चुकी है। सो अभी मैं फिलहाल एक बार अपना ट्रेलर जो है उसको यहाँ पर कुछ थोड़ा आगे साइड ले जाकर पार्क कर देता हूँ, थोड़ा साइड में लगा करके, जिससे कि भाई थोड़ा इजी रहेगा हमको। ठीक है मैंने इसको यहाँ पे पार्क कर दिया है भाई, बिल्कुल सही तरीके से पार्क हुआ है एकदम एक कॉर्नर में आकर के। ठीक है ये चीज़ मैंने यहाँ पे पार्क कर दी। अब मेरे को यहाँ पे कुछ पेंट के डब्बे उठाने हैं, तुमने देख लिया होगा भाई हमारा जो बार्न हाउस है फिलहाल वो भाई बहुत ज़्यादा नॉर्मल खाली खाली सा लग रखा है, सो उसको फिलहाल हम लोग यहाँ पे पेंट करने वाले हैं। तो भाई बार्न का कलर तुमने गेम के अंदर डिफ़ॉल्ट देखा ना रेड एंड वाइट होता है, एंड रेड एंड वाइट होता है, रेड एंड ब्लैक होता है यार कलर में भूल कर कोई आती है, हम लोग इसमें थोड़ा बहुत अपना टच दे देंगे उसको दिक्कत नहीं। बाकी फिलहाल पीछे पेंट के, अच्छा वो मेरे को लगा मैंने बाय करके डाल रखे इतने सारे पेंट के डब्बे, तो वो चीज़ नहीं है फिलहाल। तो मैं फटाफट से यहाँ पे ना ब्राइटनेस फुल करता हूँ एंड सैचुरेशन फुल करता हूँ, तो फटाफट से हम लोग भाई रेड कलर के यहाँ पर टोटल 1, 2 एंड भाई टोटल 3 डब्बे उठा लेते हैं
ठीक है। देन फिर सैचुरेशन को मैं लो करके यहाँ पे वाइट के भी 3 डब्बे उठा लेता हूँ, एंड 3 डब्बे वाइट के मैंने यहाँ पे उठा लिए। एंड अब मैं यहाँ पे थोड़े बहुत भाई ब्लैक के डब्बे भी उठा लेता हूँ, ब्लैक ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ने वाली, ब्लैक मैं यहाँ पे टोटल ठीक है 3-3 सक के मैंने यहाँ पे कलर्स उठा लिए हैं, ठीक है 3-3 कलर हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। तो मैं फिलहाल पेंट प्रोसेस जो है सबसे एंड में कर दूंगा जब हमारे पास टाइम बचेगा। फिलहाल अपनी कार को मैं थोड़ा सा घुमा करके लगा देता हूँ ताकि इन सबको भाई मैं आराम से रख पाऊँगा इसके अंदर फिर। एंड भाई मतलब क्या तगड़े लग रहे हैं भाई हमारा हार्डवेयर स्टोर यहाँ पे देखने में। एंड फिलहाल यार कोई नई चीज़ें नहीं आ रही यार हमारे रेंज के अंदर ना, कुछ नए नए अपडेट आए तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड बाकी मैं चेकआउट कर लेता हूँ, कुछ नया अपडेट तो नहीं आया ना, कहीं मैं ही मिस आउट कर रहा हूँ एंड भाई कुछ नया अपडेट भी आ चुका हो। एंड नहीं भाई फिलहाल के लिए कुछ भी नया अपडेट जो है वो यहाँ पे नहीं आया है। एंड बाकी गाइस यार तुम लोग भी यहाँ पे रैंच सिमुलेटर खेलते हो एंड चाहते हो कि भाई हम लोग साथ में खेलें तो जल्दी जाके कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, मैं यहाँ पे ना तुम्हें डिस्कॉर्ड वगैरह पे ज्वाइन, मैं डिस्कॉर्ड वगैरह पे बातचीत हम लोग कर लेंगे थोड़ी बहुत, एंड अगर तुम भी खेलना चाहते हो तो भाई साथ में हम लोग खेल लेंगे। एंड भाई फिलहाल मेरे पास बहुत ज़्यादा मतलब तगड़े तगड़े आइडिया है कॉन्टेंट के लिए, तो वो चीज़ भाई हम लोग साथ में कर लेंगे। बाकी फिलहाल मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच रखी हैं यार, बहुत कुछ करना बाकी अभी, बट यार फिलहाल टाइम की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है उस वजह से भाई मैं यहाँ पे फिलहाल नहीं बना पा रहा था। बट अब भाई प्रॉपर रेगुलर रहने वाला हूँ मैं एंड भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाले हैं हमारे को। अभी भाई बहुत सारे नए नए गेम्स भी आएंगे यार, तुम लोग बस देखते जाओ, बट फिलहाल भाई अभी हम लोग जल्दी से हमारे इस वाले काम पे फोकस रखते हैं एंड इसको कर देता हूँ बंद। एंड भाई अब फिलहाल सबसे पहले भाई एक हम लोग यहाँ पे उठा लेते हैं हमारा एनिमल ट्रेलर जो कि है भाई ये रहा, ठीक है। मैंने यहाँ पे अरे मैंने बाय तो करना ही भूल यार भाई, इतना टाइम हुआ खेले काफ़ी चीज़ें भूल चुका हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने ट्रेलर बाय कर लिया है एंड अब हम लोग फटाफट चलते हैं भाई अपने ट्रेलर को उठाने। भाई ट्रेलर हमारे यहाँ पे आ चुका है, सो फटाफट से करता हूँ मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट। एंड अब इसको भाई बिल्कुल प्यार से निकालते हैं हम लोग यहाँ पे, लेट्स गो, ठीक है। एंड इसको यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ। ओ ओ ओ भाई काफ़ी चीज़ें ना यार मैं भूलता जा रहा हूँ, मतलब इतना टाइम होगा ना खेले तो काफ़ी चीज़ में काफ़ी कंट्रोल्स ना थोड़ी इधर उधर हो जा रहे हैं, बट चलो कोई नहीं। फिलहाल मैं इसको यहाँ पर लेकर के आ चुका हूँ एंड अब इसको लेकर के चलते हैं सीधा भाई बिना रुके हम लोग कहाँ पे, सीधा हमारे जनरल स्टोर पे। जनरल स्टोर पे जाने के बाद भाई हमारे 4 पिक्स तो आ जाएंगे इस ट्रेलर के अंदर एंड 2 पिक्स मैं रख लूँगा हमारे भाई पिकअप ट्रक के अंदर। तो यानी भाई हम लोग यहाँ पे आराम से तुम लोग मान के चलो 6 पिक्स ला सकते हैं जो कि भाई बहुत सही रहेगा। एंड भाई ये सेम चीज़ मैं ट्रक के अंदर भी कर सकता था, बट ट्रक के अंदर हम लोग भाई सिर्फ 4 लेकर आ पाते, बट अब हमारे पास एडवांटेज है कि हम लोग 2 एक्स्ट्रा ला सकते हैं एंड प्लस पे स्पीड हमारी काफ़ी तेज़ है इसके साथ में, जो कि हम लोग बहुत आराम से चीज़ों को इधर से उधर ले जा सकते हैं। भाई ये ट्रक भाई पागल गई भाई, इतना स्पीड में मोड़ रहा है, बच के भैया हमारा एक्सीडेंट हो जाता। एंड रुक जा यार तू यहाँ पे इतनी तेज़, भाई शर्म नहीं आ रही इसको, दिख नहीं रहा मैं यहाँ पे मोड़ रहा हूँ फिर भी लाए जा रहे हैं, बट चलो कोई नहीं। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ आराम से ला के प्यार से पार्क। एंड अब मेरे को यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसके अंदर भाई चेंजेस क्या, मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ सेट करनी पड़ेगी ढंग से। तो एक बार मेरे को ना इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा ऊपर एंड इसको रखना पड़ेगा भाई यहाँ पर ऊपर, इसको रख देता हूँ भाई मैं थोड़ा सा इसके जस्ट साइड में, सो इसको मैं इधर रख देता हूँ। एंड अब भाई इन पेंट के डब्बों को मेरे को यार यहाँ पे ऊपर की तरफ में रखना पड़ेगा ताकि हमारे जो पेग्स हैं ना वो सामने की साइड पे भी आ जाए, वरना भाई वो सामने की साइड पे नहीं आएंगे एंड भाई वो नखरे करेगा कि भाई कार एम्प्टी नहीं है, कार एम्प्टी नहीं है। बहुत बार वो पॉपअप मैसेज आता रहता है ना भाई, वो आता रहेगा यार भाई, वो बहुत अनोइंग लगता है मेरे को। तो उस वजह से भाई फटाफट से इन डब्बों को मैंने यहाँ पे रख दिया है ऑलमोस्ट ऊपर, 2 डब्बे रह गए, इसको यहाँ पे रखता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ एंड भाई इसको रख देते हैं हम लोग यहाँ पे ऊपर, ठीक है। अब चलते भाई फटाफट से हम लोग यहाँ पे बाइक करें। अरे आंटी जी कैसी है हो आप, बहुत टाइम बाद मुलाकात हुई है। तो भाई थोड़ी बहुत भाई आंटी जी के पास ना गोली कभी पहुँचती नहीं है, कितनी गोली मार दो भाई गोली देखो पहले ही लग जाती है, पहले ही रुक जाती है गोली हर बार, बट चलो कोई नहीं। फटाफट से देखो यार ये इन गोट की मैं बात कर रहा था यहाँ पे, भाई नई गोट ऐड हुई है तो इनको भाई हमें बाय करना है इन फ्यूचर में, बट उससे पहले मैं थोड़ी बहुत चीज़ें और देख लेता हूँ। और कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं आया, नहीं भाई और कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं आया। फिलहाल एनिमल्स पे चलते हैं हम लोग एंड भाई यहाँ से उठा लेता हूँ मैं, हम लोग भाई 6 ले जा सकते हैं ना, तो 2 हम लोग ये उठाएंगे एंड 4 हम लोग उठाएंगे फीमेल्स को। तो भाई 6 हमारे पास एपिक्स हो चुके हैं, इन सबको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे चेकआउट फटाफट से भाई जल्दी से मेरे को, ओ भाई पता है मेरे को जल्दी से मेरे को बाहर भागना पड़ेगा ताकि इनको मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर पाऊँ आराम से एंड भाई दिक्कत ना हो हमारी कार के अंदर। देखा ये भाई दिक्कत भाई दोबारा से आने लग गया अनलोड वाली, यार यही चीज़ मेरे को सबसे बेकार लगती है यहाँ पे, बट चलो कोई नहीं कर दूंगा भाई उसको भी मैं थोड़ा बहुत सेट। फटाफट से पहले इनको मैं यहाँ पे डालता हूँ ला ला के ताकि भाई भागे ना बस, ठीक है। अरे आ जा मेरे भाई, चल अंदर इसके, तू भी आ जा फटाफट से एंड चल अंदर इसके, एंड तू भी आ जा फटाफट से एंड चल अंदर इसके। एंड अब मैं जल्दी से इन सामान को नीचे की तरफ फेंकता हूँ एंड आ जाओ जल्दी 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 एंड तुम भी इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे भाई जल्दी आ जाओ नहीं तो भाई वो भाग जाएंगे दूर बहुत ज़्यादा, फिर उनको लेकर आने में दिक्कत पड़ जाएगी बहुत। एंड कहाँ भाग के जा रहे हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, इधर भाई भागे जा रहे हैं चुपचाप चुपचाप।
चल इसके अंदर, चल इसके अंदर। एंड भाई एक और कहाँ भाई, कितनी दूर निकल गया तेरी, ऐसे कितने ऐसे इधर। अबे हद ही होगी भाई, 2 सेकंड के लिए मैं यहाँ पे क्या काम करने लगा, तुम तो भाई पता नहीं क्या समझ रहे हो अपने आपको हैं। चल इसके अंदर, ठीक है ये चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी है। एंड अब भाई 2 सेकंड दो, मैं 2 सेकंड के अंदर भाई सारा सारा सामान ऊपर जचाता हूँ, वापस से रखता हूँ एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं फटाफट से हमारी पिकअप ट्रक लेके। ऑलराइट, तो जितना भी सामान था यहाँ पे सारा सारा सामान मैंने यहाँ पे रख दिया है। एंड एक सेकेंड यार, हमारी इस ट्रेलर के अंदर 6 पिग्स आ सकते हैं, सिर्फ 4 पिग्स आ सकते हैं। ओके भाई सिर्फ 4 ही आ सकते हैं, बट यार इतना बड़ा ट्रेलर है, इसके अंदर कम से कम 8 पिग्स आने चाहिए थे तो भाई बहुत सही सीन हो जाता, क्योंकि 4 तो यार देखो हम लोग उसके अंदर लेके आ सकते हैं हमारे ट्रक के अंदर। एनिमल ट्रेलर का मतलब क्या हुआ भाई, इसके अंदर हमें इनको कम से कम भी नहीं तो भाई 4, 8 भी नहीं तो यार 6 की कैपेसिटी तो कम से कम भी देनी चाहिए थी, उससे भाई हमारा काफ़ी ज़्यादा हद तक यहाँ पे ना फ़ायदा जाता। बट चलो कोई नहीं, अब हम इसके अंदर चेंज तो कर नहीं सकते, जैसा गेम्स के मैकेनिक्स हैं वैसे चलेंगे, इन फ्यूचर अगर अपडेट में ये लोग फिक्स कर देते हैं देन फिर एक थोड़ी सी अलग बात है, बट फिलहाल जैसा है वैसे एक रखना पड़ेगा हमें भी। एंड हम लोग लेकर के चलते हैं, बाकी फ़िलहाल ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना इसको सीधा हमारे फार्म पे। एंड वहाँ पे ले जा करके मैं भाई कितने सारे डियर हो चुके हैं यहाँ पे भाई, इन सब का भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मेरे को, नहीं तो भाई ये यूँ ही घूमते रहेंगे इधर उधर बार बार, तो सबको भाई बाद में फिक्स कर दूंगा मैं। बाकी फिलहाल मैं अपने रेंज पे यहाँ पे आ चुका हूँ एंड भाई दूर से वो रेड रेड चमक रहा है भाई, तुम लोग देख रहे हो, बट चलो कोई नहीं, फटाफट से फिलहाल इसको लेकर चलते हैं हम लोग। अभी मैं एक काम करता हूँ, इनको फटाफट से जल्दी से ना अनलोड करना शुरू कर देता हूँ एंड इनको उठाता हूँ यहाँ पर एंड इस कार को अपनी ले आता हूँ थोड़ा सा अंदर की साइड पे। ठीक है हमारी कार तो अंदर आ जाएगी बट हमारा एनिमल ट्रेलर अंदर नहीं आएगा, तो उसको फिलहाल मैं अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ। एंड अब मैं इनको करता हूँ अनलोड करना स्टार्ट, बट उससे पहले मैं ये वाला गेट कर देता हूँ बंद एंड ये बाहर ना निकल जाए, उस चीज़ का मुझे यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। सो यस, ये लोग यहाँ पर आराम से अंदर की तरफ आ चुके हैं, इसको मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ एंड अब इन लोगों को उतारना शुरू करता हूँ यहाँ पर जल्दी से, तो तू भी उतर जाए यहाँ पर जल्दी। एंड भाई ये देख रहे हो मतलब खुद पर खुद अंदर भाग रहे हैं ये, यार ये काफ़ी सही चीज़ हो गई अब है ना, देखो। ओ भाई ये तो ऊपर ही उठ गया भाई साहब, ये चीज़ थोड़ी बेकार लगती है बस मेरे को। चल नीचे 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 नीचे, ट्रांसपोर्ट हो जा, ट्रांसपोर्ट 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 होना है। अरे यार ये ट्रांसपोर्ट भी नहीं हो रहा यार, अब अरे मैं क्यों बंद हो गया अंदर, अबे भाई मेरे को बंद है, मैंने अपने आप को बंद कर लिया। अरे रुक जा, अरे नहीं 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 इधर 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 इधर, जल्दी 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 भाई गेट बंद करना पड़ेगा, धीरे धीरे बाहर निकल के आ रहे हैं। चलो तुम्हारी ऐसी की तैसी भाई, पता नहीं क्या समझ रहे अपने आप को ये लोग। चलो कोई नहीं, फटाफट से मैंने इसको भी यहाँ बंद कर दिया अंदर की साइड पे। एंड भाई इसको भी यहाँ पे नीचे उतारना पड़ेगा कैसे करके, तो यार ये चीज़ थोड़ी सही हो गई, मतलब एनिमल्स को लाऊंगा मैं यहाँ पे एंड सिंपल यहाँ पे इनको ड्रॉप कर दूंगा, इसके बाद भाई सीधा ये लोग अंदर आ जाएंगे। भाई वो भी नीचे उतर चुका है, इसको भी जल्दी से मैं उठाता हूँ यहाँ पे एंड भाई जल्दी से अंदर की तरफ डाल देता हूँ। तो आ जा भाई फटाफट से जल्दी आए यहाँ पे, तेरा बाहर कुछ काम नहीं है जो बाहर जा रहा है बार बार, चल अंदर की तरफ सीधा। हाँ हद्दी होती है यार तुम्हें बाहर घूमने का क्या मतलब है, जल्दी से गेट खोलता हूँ मैं एंड इसको डालता हूँ भाई अंदर फटाफट से। एंड भाई इसको यहाँ पे आ चुका है एंड अब मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे काम स्टार्ट कर देता हूँ भाई अपने। अरे 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 सारे गेट नहीं खोलने मेरे को, ठीक है अब मैं जब जितना पेंट के डब्बे वब्बे लाया था भाई इनसे काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो भाई रेड रेड से मेरे को करना है भाई जितना भी बाहर का एरिया है इसको कवर। सो भाई प्रॉपरली हम लोग यहाँ पे पेंट वेंट स्टार्ट कर देते हैं जो कि अगेन बढ़िया लगेगा। एंड भाई खाने वाने का सिस्टम फुल है ना इनके अंदर, मुझे मेरे को थोड़ी बहुत चेकआउट करनी पड़ेगी अभी। एंड भाई तुम लोग देख रहे हो ये चीज़ नेक्स्ट ऐड करिए, थोड़ी सी पहले के टाइम पे नहीं थी ये, अभी फ़िलहाल आई है तो ठीक है यार काफ़ी सही है, बट अभी मेरे को फ़िलहाल फोकस करना है पेंट पे, तो जल्दी से पेंट वेंट कर देता हूँ मैं। अरे 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 चल भाई ठीक है। एंड खाना इनका है फुल, पानी इनका है फुल, ठीक है ये साइड खाना पीना फुल है, उस साइड में चेकआउट करता हूँ जल्दी से मैं एक बार। खाना फुल है एंड भाई पानी फुल है, तो भाई इनकी दिक्कत नहीं है कहीं भी, यहाँ पे सारा खाना फुल है सारा पानी फुल है, तो ये चीज़ आराम से लोग यहाँ पे सर्वाइव कर लेंगे। एंड अब उठाता हूँ मैं जल्दी से रेड वाला दूसरा पेंट एंड भाई अपने गेट्स वगैरह को भी कर देता हूँ यहाँ पे पेंट। एंड फिलहाल भाई मेरे को इन सबको जितने भी इन बीच बीच के हैं ना इनको मेरे को यहाँ पे रेड पेंट नहीं करना, पता नहीं क्यों मैंने गलती से इनको रेड पेंट कर दिया यहाँ पे। इन्हें यहाँ पे मैं ब्लैक करने वाला हूँ या फिर वाइट करने वाला हूँ, वो चीज़ तुम्हें भी फिलहाल देखने को मिल जाएगी। मेरे को सिर्फ और सिर्फ जो रेड करना है ना वो इनकी वॉल्स पर करना है, ठीक है पीछे की साइड थोड़ी बहुत रह गई है उसको मैं थोड़ी देर में थोड़ी देर बात कर दूँगा। फिलहाल मैं तुमको ओवरव्यू दे देता हूँ पूरा पूरा, मेन मेन चीज़ें करके दिखा देता हूँ जो जो मेरे को करनी है यहाँ पे। सो फटाफट से मैं उठाना है यहाँ पे कलर जो कि है ब्लैक, सो ब्लैक कलर उठा लेता हूँ। एंड अब जितनी भी ये चीज़ बच रखी है ना इनको मैं कर देना है यहाँ पे ब्लैक, ये तो ब्लैक नहीं होगा ये रेड ही होगा जो मैंने ब्लैक गलती से कर दिया है। एंड इसको भी ब्लैक करो भाई, इसको ब्लैक करो एंड भाई इसको ब्लैक करो, ठीक है ये चीज़ ब्लैक हो चुकी है, इनको ब्लैक करना है मेरे को, इसको भी ब्लैक करना है, मतलब जितने फ्रेम्स है ना ये इन फ्रेम्स को हमें ब्लैक रखना है, ठीक है। रैम्प को भी हम लोग ब्लैक कर देते हैं आराम से, इसको भी ब्लैक कर देते हैं। इधर वाला फ्रेम है इसको भी मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ, तो ये चीज़ ब्लैक हो चुकी है। एंड एक बार मेरे को यहाँ पे रेड पेंट उठाना पड़ेगा क्योंकि मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, जो इसको भी हमें फिक्स करना है।
ठीक है, अब ये चीज़ हो चुकी है। अब मेरे को यहाँ पे वाइट पेंट उठाना है, एंड जितने भी यहाँ पे नीचे फाउंडेशन है ना, इनको मेरे को यहाँ पे नॉर्मल वाइट कर देना है, जो कि भाई अगेन तुम लोग देखोगे ना बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी दूर से देखने में। फिलहाल हो सकता है अच्छी ना लग, मतलब तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा हूँ, बट अब मैं तुम्हें एक बार ले जाकर दिखाता हूँ फ्रंट से, फिर बताना तुम लोग भाई तुम्हें कैसी लग रही थी देखने में। एंड भाई अब तुम ये देखो, मतलब है ना अच्छी लग रही है ना काफ़ी ज़्यादा। एंड मैं चाहूँ तो भाई इसको नीचे वाले को ब्लैक भी कर सकता हूँ, जो कि भाई बाद में देख लूँगा। तो इसको फिलहाल रैम्प को हम लोग कर देते हैं वाइट, ठीक है, रैम्प भी वाइट हो गया, इधर की इन चीज़ों को वाइट। भाई ख़त्म नहीं हो रहा पेंट ये, भाई बहुत ज़्यादा पेंट है यार इसमें, ये लास्ट होगा शायद। भाई अभी भी बच रखा है, भाई कितने सारे पेंट लाया था ये भाई एक वाइट के अंदर, भाई बहुत ज़्यादा कर दिया यार इसने, मेरे को लग नहीं रहा था इतना करेगा, बट चलो कोई नहीं, काफ़ी सही हो चुका है अपना काम यहाँ पे। ठीक है, मतलब मैं तुमको ओवरव्यू दे दिया है कि कैसा सारा पेंट होने वाला है। तुम लोग मेरे को 2 सेकंड दे दो बस, मैं 2 सेकंड के अंदर सारा पेंट जॉब जितना भी बच रहा है हमारे यहाँ पे उस सबको कंप्लीट करता हूँ, एंड देन फिर तुमसे मिलता हूँ। फिर तुम लोग देखना कि भाई ये एकदम एंड में इसका लुक जो है कैसा लग रहा है। तो 2 मिनट दो, 2 मिनट में फिनिश कर तुमसे मिलता हूँ सीधा। ऑल राइट, तो गाइस यहाँ पे फाइनली जितना भी काम था सारा मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। एंड भाई अब तुम लोग यहाँ पे चेकआउट करो, भाई ये है हमारा फाइनल पान, जो कि भाई बहुत सही लग रहा है। इसके ऊपर जो फैक्ट्री बनेगी ना भाई, वो फैक्ट्री तो भाई बहुत ज़्यादा एपिक होने वाली है, भाई बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है। बट फिलहाल मैं तो मैं अंदर से ले जा करके दिखाता हूँ मैं पूरा। तो अबे अबे कहाँ बैठा था ये, कोई बाहर नहीं निकल गया भाई, मेरे को लग रहा था बाहर निकल गया कोई, बट चलो कोई नहीं, इसको फिलहाल मैं अंदर की तरफ खींच लूँ। भाई बिल्कुल गेट पर बैठा था भाई, आधा फटाफट से अंदर, तो इसको मैंने अंदर खींच लिया है। एंड भाई अब ये तुम लोग चेकआउट करो, मतलब जितनी वॉल्स वगैरह हैं इन सबको मैंने यहाँ पे करा है डार्क, रूफ को करा है मैंने रेड, एंड बॉटम बेस को करा है मैंने यहाँ पे वाइट। एंड वाइट करने का रीज़न सिर्फ यही था कि मेरे को यार आराम से इनकी जितनी भी गंदगी होगी ना यहाँ पे वो मैं क्लियरली देख पाऊँगा। अगर मैं नीचे ब्लैक कर देता ना भाई, तो ये चीज़ फिगर करने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, एंड भाई बहुत सर दर्द हो जाता, दिखती नहीं भाई कहाँ पे क्या क्या कर रखा है इन्हें। तो अब जैसे मैंने इसको वाइट कर दिया ना भाई, ये दूर से चमक जाता है भाई कहाँ पे इन्हें गंदगी फैला रखी है एंड कहाँ पे नहीं। जैसे ये देखो, मतलब ब्लैक होता तो भाई ये दिखता ही नहीं है। एंड भाई ऊपर जो रेड है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, जब इसके अंदर लाइटिंग होगी ना उसके बाद ये और भी अच्छा लगेगा। एंड जब भाई इसके ऊपर एक और फ्लोर बनेगा तेन अगेन भाई ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा देखने में। बाकी फिलहाल इसके अंदर भाई मैंने 12 पिग्स टोटल आके डाल दिए, जिसमें से भाई 8 हमारे फीमेल है एंड 4 हमारे मेल है, जो कि बहुत ज़्यादा हद तक अभी कुछ टाइम में भाई बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एंड उसके बाद हम लोग भाई अभी फैक्ट्री वगैरह का काम भी स्टार्ट करेंगे। एंड ऊपर से भाई मैंने इसको रेड कर दिया है, पेंट की कमी पड़ गई थी तो वहाँ का रेड नहीं कर पाया, उसको मैं बाद में कर दूँगा। बट फिलहाल भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। बाकी तुम लोग बता दूँगा कमेंट सेक्शन में भाई तुम्हें कैसा लग रहा है। बाकी फिलहाल यार आज की रेंज सिमुलेटर की वीडियो के लिए बस इतने रखते हैं। आई होप आप लोग आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को देना सब्सक्राइब, शेयर करना फ्रेंड्स, मिलता हम लोग से और इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।